नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने तेज कर दी है? क्या समाजवादी पार्टी का जो युवा वर्ग है, जो युवा ब्रिगेड है, उसने अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 को, और उससे पहले 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि हर एक पार्टी अपनी अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा रही है और उसमें तेजी ला रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की ओर से जो समाजवादी पार्टी का युवा ब्रिगेड है, वो अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले नेता हैं और उनका नाम है गगन यादव। गगन यादव के हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, मंगेश यादव के घर गए थे, वहां पर भाषण दिया था, उनके परिवार से मुलाकात की थी, और अब समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं गगन यादव। ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें एक्सप्रेसवे की हैं, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे की हैं, जहां पर कुछ समाजवादी पार्टी की झंडा लेकर और साइकिल लेकर लोग जा रहे थे। गगन यादव ने अपनी गाड़ी रुकवाई और उसके बाद उन लोगों से मुलाकात की, फ़ोटो भी खिंचवाया और इस फोटो को अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट भी किया। उसके बाद सीधे देवरिया पहुंच गए। देवरिया पहुंचने के बाद वहां पर लोगों के बीच में जब गगन यादव ने भाषण देना शुरू किया तो वहां पर भीड़ लग गई। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, उनके बारे में तमाम बातें रखी गगन यादव ने, और जो जोश देखने को मिला वो उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं दोस्तों कि क्या समाजवादी पार्टी का जो युवा वर्ग है, युवा ब्रिगेड है, युवा सिपाही हैं, वो 2027 की चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं क्या? क्योंकि गगन यादव कह रहे हैं कि 2027 में आपकी सरकार बनने जा रही है। नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए वो निकले हुए हैं, लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा गया गगन यादव की तरफ से। गांधी जयंती के इस अवसर पर एक संदेश मैं आप लोगों के बीच आकर देकर जाता हूं। दो तरीके के दल होते हैं, गर्म दल एक नरम दल। हमारा जो दल है वो हमें नहीं पता कौन सा। हम वक्त की नजाकत को देखते हुए अपना एक्शन दिखाया करते हैं। तो हम वो लोग हैं जो गांधी जी कहते थे कि कोई एक गाल पे छाता मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। हम वो हैं जो अगर कोई हमारे एक गाल पर छाता मारेगा तो हम सामने वाले के दोनों गाल लाल कर देंगे। ये गगन यादव, आप लोगों की ही अधूरी छोड़ी गई लड़ाइयों को पूरा करने निकला हुआ है। ये गगन यादव श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के अधूरे सपने को पूरा करने निकला हुआ है। ये गगन यादव इस समाज का एक शानदार जानदार प्रधानमंत्री बनाने निकला हुआ है। सदियां बीत जाती है साहब समाज से नेता तैयार करने में और नेता को निकलने में, सदियां बीत जाती है, जान हथेली पर रखनी पड़ती है। बड़ा दिलेर आदमी चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए अपना घर छोड़ के, और वो भी तब जब कोई गगन यादव जैसा इकलौता अपने माँ बाप का चिराग, जिसकी माँ ये कहती हो कि तू कुछ मत कर, हम नहीं चाहते कि तू ये सब काम करे, तू बस हमारी आंखों के सामने रहा है। बड़ा जिगर चाहिए तब जब अपनी माँ की आंख में आप आंसू देख रहे हो और उसी माँ को आप ये कहें कि अब तो हमने अपना सपना और अपना दृढ़ संकल्प कर लिया है, अब हमारी लड़ाई इन लोगों की लड़ाई है। माँ तेरे आंसू मैं तो नहीं पोंछ पाऊंगा, लेकिन हाँ आने वाले समय में ऐसे सिपाही समाज के तैयार करके चले जाऊंगा जो ना तो सिर्फ तेरी आंखों पर आंसू आने देंगे बल्कि तमाम उन माओ के आंखों के आंसू को पोंछने का काम करेंगे। आज की तारीख में नेता बड़े फैंसी हो चुके हैं, इतने फैंसी नेता हो चुके हैं कि उन्हें 10 तो अपने पीछे फॉर्चुनर चाहिए, 50-60 अपने साथ बॉडीगार्ड चाहिए, माला अगर रास्ते में ना मिले तो खुद ही अपनी गाड़ी में माला लेकर चलेंगे, साफा लेकर चलेंगे कि आप लोग भी डाल देंगे। आजकल बहुत फैंसी जमाना हो चुका है। उसी फैंसी जमाने से उठकर, उसी भीड़ से निकलकर आपके बीच एक गगन यादव आया है जो आपसे कहता है कि हमारे गले में माला, हमारे सर पर साफा मत बांधिए। बस उन लोगों की लड़ाइयों को लड़ने का काम किया
बताए जा रहे हैं। हम अपनी विचारधारा बताएं आपको, हम किस विचारधारा पर काम कर रहे हैं। रोते हुए के आंसू पोंछना, बेजुबान को आवाज देना, कमजोर को ताकत देना और बुरे वक्त में जिसके साथ कोई खड़ा ना हो उसके साथ खड़े हो जाना, इतनी सरल हमारी विचारधारा है। अब इस विचारधारा से जुड़कर काम करने में आपको मजा आए तो जरूर जुड़िएगा।